मुझे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। इसमें आपने क्या करना है, इसकी जनरल फॉर्म देखें, वाई की फॉर्म में फंक्शन को सेपरेट करना है। लाइक जो भी इक्वेशन गिवन होगी, वाई लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी फंक्शन राइट हैंड साइड पे, इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड्स को। जहाँ डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसको पी से रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे पी स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब पी माइनस टू एक्स के वाई इक्वल टू जीरो। वाई की फॉर्म में सेपरेट किया, डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट या कोशेंट जिससे भी करना चाहें फैक्टराइज किया। दो फैक्टर्स आते हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें कौन से फैक्टर को कंसीडर करना है, वो फैक्टर जिसमें डी पी ओवर डी एक्स होगा, क्योंकि आपने उसको आगे जाके इंटीग्रेट करना है। जब तक डी पी ओवर डी एक्स या डी पी नहीं होगा, आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती। इंटीग्रेट किया, पी की वैल्यू आती है सी एक्स। तो आपने क्या करना है, पी को एलिमिनेट करने के लिए पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में आपने रिप्लेस करनी है। तो पी की वैल्यू क्या है, सी एक्स, इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस किया, तो वो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर टू है, वाई माइनस थ्री एक्स पी इक्वल टू पी पी स्क्वेयर। वाई को इसीलिए आप सेपरेट कर सकती हैं, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जहाँ डी वाई बाई डी एक्स आता है उसको पी पुट किया, इसको यहाँ लेकर आ जाए सिंप्लीफाई कर लें, पी यहाँ आके माइनस हो जाएगा, डी पी ओवर डी एक्स यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस टू पी इंटू डी एक्स ओवर डी पी। और ये जो थ्री एक्स प्लस टू पी है वो राइट हैंड साइड पे ही रहने दें। इसके बाद माइनस टू पी को डिवाइड कर दिया आपने हर एक साइड पे, तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन बन गई है इन एक्स। इसके बाद लीनियर इन एक्स एक्स के लिए आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जिसमें ई पावर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन है। जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है पी पावर थ्री बाई टू। फार्मूला बन गया एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी प्लस सी। इंटीग्रेट किया तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या है, इसमें आप पी को इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकती लाइक योर एग्जांपल नंबर वन। तो इसीलिए ये जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर जो वन है ऊपर की वन, इक्वेशन नंबर टू, ये दोनों इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कंसीडर होंगी। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है 7.11 में। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 11 करवा रही हूँ। छः ई पावर पी माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन। पावर को नीचे लाने के लिए आपने क्या किया, लॉग अप्लाई किया। तो लॉग अप्लाई करने के बाद आपके पास पी माइनस वाई इक्वल आता है लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो माइनस वाई इज इक्वल टू दिस थिंग। वाई को सेपरेट किया, उसको डिफरेंशिएट किया, पी रिप्लेस किया। पी रिप्लेस करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे जहाँ डी पी ओवर डी एक्स आए कॉमन ले लिया। ये पी जो है ये कंटिन्यू है, इसमें थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मिसप्रिंट है। ओके, इसके बाद क्या किया, इस पी को यहाँ लाकर डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब यहाँ आएगा ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी कर दें तो ये वन हो गया और ये वन ओवर पी, और यहाँ से ये डी एक्स जो है वो यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग कम्प्लीट। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है इंटीग्रेट करने के बाद। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ये पी प्लस वन ऊपर जाके पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। इसमें भी हम पी को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका जो इक्वेशन नंबर वन है, जो इक्वेशन नंबर टू है, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।